तो हमारे इंडियन माइल ड्रैगन सिटी में अटैक कर दिया बिग क्रोकोडाइल मॉन्स्टर, और ये हमारे फ्रैंकलिन के जान के पीछे क्यों पड़ा है उसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो जैसे ही आज मैं सो के उठा तो मेरे को फोन पे चिंटू का फोन आता है। चिंटू मेरे को बीच के साइड बुला रहा है, लेकिन बोलो चिंटू तो बड़े दिनों के बाद अपने नानी के घर से हमारे से मिलने के लिए हमें बीच पे बुला रहा है। और बोलो चिंटू ने मेरे को कॉल पे ये भी बताया था वो अपनी नानी के घर से हमारे लिए कोई जादुई अंडा लेके आ, वो अंडा बहुत ही बड़ा है। तो लेकिन बोलो मुझे जितना पता है बोलो चिंटू की नानी मुर्गियां पालती है, तो इसके पास क्या पता अंडा लेके आया। तो चलो बोलो बीच के पास जाकर देखते हैं और देखते चिंटू ने कैसा अंडा लेके आया। तो जैसे बोलो मुझे चिंटू कॉल पे बता रहा था अंडा दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन बोलो सही वो अंडा दिखने बहुत बड़ा होगा वो सब कुछ तो हमें बीच पे जाके ही पता चलेगा। तो बीच पे जाने के लिए मैं पकड़ूंगा रोड का रास्ता, और रोड से जा रहा हूं मैं अपनी फ्लैग फॉर्च्यूनर लेके। और पहले फॉर्च्यूनर देख के क्या मजा आ रहा है, अबे भाई अभी इसको ठोक देता लेकिन बच गया। और भाई हमारा चिंटू ना 2-3 साल के बाद हमसे मिलने के लिए, क्योंकि भाई लोग चिंटू यहां से निकल गया था अपने नानी के यहां पे थोड़ा काम वम करने के लिए, क्योंकि भाई लोग हमारी सिटी में अभी काम बहुत बेकार चल रहा है, इसीलिए भाई लोग चिंटू चला गया था नानी के यहां से। और भाई लोग 2-3 साल के बाद चिंटू आया, देखते भाई लोग चिंटू को हम दिखाएंगे अपनी ब्लैक फॉर्च्यूनर। और भाई लोग इससे पहली फॉर्च्यूनर ठुक गई, उसका गेट खुल गया, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब मैं रोड का रास्ता नहीं, अब मैं शॉर्टकट रास्ता पकड़ूंगा और जाऊंगा चिंटू के पास बीच पे मिलने के लिए। तो बस थोड़ी सी दूर के भाई लोग ये जो बैरियर दिख रहा है, इस बैरियर को पार करके मैं पकड़ूंगा शॉर्टकट रास्ता और फिर जाऊंगा चिंटू के पास मिलने के लिए, और देखूंगा चिंटू ने ऐसा कौन सा अंडा लेके आया जो मेरे को कॉल पे बता था वो जादुई अंडा। भाई लोग वो जादुई अंडा हुआ तो भाई लोग पैसा ही पैसा हमारे पास होने वाला है। अगर वो अंडा कोई मुर्गी का हुआ तो चिंटू का मैं वहीं पे बहुत मारूंगा, क्योंकि भाई लोग चिंटू ने हमारा टाइम बर्बाद किया, एक तो उसने मेरी नींद भी खराब कर दी। तो भाई लोग मैं बस यहाँ पे बीच पे पहुंच गया, और भाई लोग मैं बीच पे पहुंचते ही मेरी गाड़ी यहाँ पे ठुक गई। अब चलो भाई लोग बीच से थोड़ा गाड़ी से उतर कर हम देखते हैं चिंटू कहाँ पे। भाई लोग मैं यहाँ पे पूरे रास्ते ढूंढ रहा हूँ, चिंटू तो कहीं बीच पे दिख नहीं रहा। अरे वो रहा चिंटू, चलो भाई लोग चिंटू से बात करते हैं। अरे ये देख फ्रैंकलिन, मेरे पास ना मेरी नानी के यहाँ से मुझे एक अंडा मिला था, और वो अंडा मैं दिखाने के लिए तेरे को लाया हूँ। अच्छा चिंटू चिंटू, लेकिन ये अंडा किसी मुर्गी का नहीं लग रहा, ना ये सोने का अंडा, ये अंडा किस चीज का है? अरे वो सब तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने ये अंडा खाने वाला, और मैं इस अंडे को खा के पता चल गया ये अंडा दिखने में कैसा। अरे चिंटू पागल है क्या, मत अंडा खा। अरे चिंटू अंडा उसको मत खा। अबे चिंटू तेरे को ये क्या हो गया, तू इतने बड़े बिग क्रोकोडाइल मॉन्स्टर में कैसे बदल गया? अबे भाई चिंटू ने उस अंडे को खाया और बिग क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बदल गया, अब वो मेरे को हमला कर रहे आ रहा है मेरे के ऊपर। भाई लोग मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। अरे भाई लोग चिंटू ने उस अंडे को क्यों खा लिया, चिंटू ने उस अंडे को खाने के बाद बिग क्रोकोडाइल मॉन्स्टर में बदल गया। अबे यार ये किसकी साइकिल पट गई, मेरी गाड़ी को भी चिंटू ने फोड़ दिया, मुझे किसी की साइकिल लेके जल्दी अपने घर जाना पड़ेगा, अगर मैं घर नहीं गया तो चिंटू मेरे ऊपर हमला कर देगा। तो भाई लोग मैं जल्दी ऐसे घर जाके निकलता हूँ, मैं पुलिस को भी कंप्लेन नहीं कर सकता, वरना पुलिस भी बोलेगी तुम ये क्या अंडा लेके आ, उसको क्यों खा लिए। मुझे जल्दी घर जाकर देखना पड़ेगा, ये खबर न्यूज में तो नहीं आ गई, न्यूज में आ गए तो भाई लोग मेरे घर के पास पुलिस ही पुलिस आ जाएगी, मुझे उनसे जैसे ही बचकर चिंटू को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन भाई लोग मैं जल्दी घर जाता हूँ, देखता हूँ चिंटू ये हमारे सिटी पे हमला ना करने लग जाए। लेकिन भाई लोग ये बहुत बड़ा बिग क्रोकोडाइल मॉन्स्टर, ये पक्का सिटी पे हमला तो जरूरी करेगा। लेकिन चलते वाले न्यूज में देखते हैं, न्यूज में इसकी खबर तो आ ही गई होगी अब तक। चलो पहले न्यूज लगे देखते हैं न्यूज में क्या आया है। आज की ताजा खबर, हमारे सिटी में अटैक कर दिया है बिग क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ने, और ये हमारे पूरे सिटी को तबाह कर रहा है। अरे भाई ये मॉन्स्टर तो पूरे सिटी को तबाह कर रहा है, अब एक ही रास्ता है, मैं लगाता हूँ चिंटू के नानी को फोन और उनसे ये सोल्यूशन पूछता इस मॉन्स्टर को कैसे खत्म करे। तो बोले मैंने चिंटू के नानी को फोन लगाया, उनकी नानी ने बोला यही शहर में हमारे शहर में एक बाबा रहते हैं, उनको पता है इस मॉन्स्टर को कैसे खत्म करा जाए। तो चलो भाई लोग वो बाबा का एड्रेस मुझे मिल गया, भाई लोग वो एड्रेस भाई लोग यहीं पे जो छोटे वाले घर है वहीं पे वो बाबा रहते हैं। तो चलो जल्दी चलते हैं बाबा के पास और उस मॉन्स्टर को खत्म करने का सोल्यूशन पता करके आते हैं। तो भाई लोग मैं यहाँ से शॉर्टकट रास्ता लेता हूँ और उस चिंटू को खत्म कर देना पड़ेगा भाई लोग, क्योंकि उस चिंटू ने हमारे पूरे शहर पे बहुत अटैक कर दिया। तो जल्दी चलते हैं एंड बाबा के पास एंड बाबा से पूछते हैं क्या सोल्यूशन है उस चिंटू को सही करने का, या फिर हमें चिंटू को खत्म करना पड़ेगा, वो सब कुछ बोले हमें बाबा के पास जाके पता चलेगा। तो चलो भाई लोग बाबा के पास मैं पहुंचने ही वाला हूँ। तो मैं बाबा के घर के पास पहुंच गया, भाई लोग ये रहा बाबा का घर जो यहाँ पे बिल्कुल सामने है। चलो भाई लोग बाबा के पास जाते हैं और बाबा को बुलाते हैं। हेलो बाबा, बाबा जल्दी आओ, बाहर निकलो बाबा, हमारे यहाँ पे बहुत बड़े मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, बाबा बाहर तो आओ। तुम उसी क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के दोस्त हो ना? हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता चला? प्लीज बाबा उस मॉन्स्टर से हमारे सिटी को बचा लो। जहाँ पे तुम्हारे दोस्त
उसने अंडा खाया था। तुम वहीं पे जाओ और वहां पे जाने के बाद तुम्हें एक पोर्टल मिलेगा, उसके अंदर चले जाना। तुम भी बहुत बड़े इंसान बन जाओगे और तुम मुझसे फाइट कर पाओगे। तो जैसा बाबा ने बोला है हमें वहीं पे जाना है जहाँ पे चिंटू बिग मॉन्स्टर बना था, तो भाई लोग हमें भी वहीं पे जाना है क्योंकि बाबा ने यहाँ से एक पोर्टल वहाँ पे खोल दिया है। अगर हम उस पोर्टल के अंदर जाएंगे तो हम भी बिग फ्रैंकलिन बन जाएंगे, फिर हम उस मॉन्स्टर से फाइट लेकर उस मॉन्स्टर को हरा देंगे। तो चलो आप लोग से मिलता हूँ मैं सीधा बीच के पास। तो गाइज मैं बीच के पास पहुंच गया, भाई लोग वो रहा पोर्टल, चलो उस पोर्टल के अंदर घुसते हैं और हम भी बन जाते हैं बिग फ्रैंकलिन। चलो भाई लोग पोर्टल के अंदर हम जाने वाले और ये मैं पोर्टल के अंदर घुस गया। अरे बाबा ने जैसे बोला था पोर्टल के अंदर जाना और मैं बिग फ्रैंकलिन बन जाऊंगा, भाई लोग मैं तो बाबा के कहे अनुसार बिग फ्रैंकलिन बन गया। अब तो उस मॉन्स्टर को मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि उसने हमारे पूरे सिटी को तबाह कर दिया था, उसका बदला तो मैं उसे जरूर लूंगा। आज जो मॉन्स्टर अब कोई नहीं बचा सकता, ये ले और ये भी ले, तूने हमारे सिटी को खत्म किया, ये ले और तू ये ले और करेगा सिटी को हमारे खत्म, ये ले। मैंने मना किया था तब भी अंडा खाया तूने, ये ले। तो भाई लोग आखिर मैंने बिग मॉन्स्टर को यहीं पे खत्म कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है वीडियो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आप लोग से मिलता हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो में।